How do you see India? Uh, we 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 are seeing so much uh, economic boom or uh, technological advancements, and then we see IITs making it big uh, globally, and then obviously Bollywood playing a huge role. Uh last 30-40 years, when they created How do you see all of that? यार एज आई सेट बिफोर के आई डोंट थिंक दिस रीजन कैन ट्रूली प्रोग्रेस इंडिया में भी हालांकि दे आर ऑब्वियसली इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिंग मच मच फास्टर देन पाकिस्तान बंग्लादेश प्रोग्रेसिंग मच फास्टर देन पाकिस्तान हम प्रोग्रेस तो कर ही नहीं रहे हैं हम तो रिग्रेस हो रहे हैं uh, लेकिन उधर भी बड़ी गुरबत है उधर भी बड़ी नासाफियाँ हैं uh, uh, और uh, क्योंकि जब वो पार्टीशन हुआ तो उस वक्त जो मुसलमानों की जो एक ट थी और इंटेलेक्चुअल अलीट भी जो थी वो बेशतर तो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान पीछे गरीब मुसलमानों को छोड़ दिया तो अब वो गरीब मुसलमान अपना वो ख्याल ही नहीं रख पा वो उनके साथ ज्यादती और भी ज़्यादा बढ़ गई है सो so अब इन चीज़ों को किस तरह एड्रेस करना है ये बहुत मुश्किल है आई थिंक वी नीड टू क्रिएट सम वी नीड टू क्रिएट मनी मो फॉरम्स

अब देखें अपनी आप मुतालबे अपनी तरफ और वो यकी जरूर करते रहें अगर हमें कोई ना इंसाफी इंडिया में नज़र आती है तो क्यों ना हम दुनिया के सामने उठाएं उस बात को और उनका भी हक है अगर उनको पाकिस्तान में कोई ना इंसाफी नजर आती है उनका भी हक है कि यार देखो ये पाकिस्तान में इस तरह नहीं होना चाहिए लेकिन ट्रेड तो ना रुकना चाहिए अब अब चाइना और इंडिया का ट्रेड भरपूर चल रहा है डिस्पाइड लद्दाख डिस्पाइड द बॉर्डर डिसग्रीमेंट्स के नहीं डिस्प्यूटेड टेरिटरी लेकिन ट्रेड मुतासर नहीं हुआ चाइना का ताइवान से ट्रेड ट्रेड चल रहा है जी जी।, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। <laughs> तो हम किस दुनिया में रह रहे हैं हम अपना ट्रेड क्यों नहीं शुरू कर सकते सो आई थिंक वॉट वी नीड टू वर्क ऑन दीज वॉट आर कॉल्ड क्या कहते हैं पैरालेल सॉफ्ट डिप्लोमेसी पैरालेल मेजर्स ट्रैक टू ट्रैक टू मेथड्स के जब तक हमारी हुकूमतें इतनी मचोर ना हो जाएं कि इंसानों की तरह एक दूसरे से बात कर सकें और आ, कुछ आ, नतीजे तक पहुँचे हैं कि आपने कश्मीर रेजोल्यूशन का कि क्या रिजॉल्व करना है और बॉर्डर्स को डिस्प्यूट को किस तरह रिजॉल्व करना है ब, बट कम अज कम हमारी हुकूमतों को ये इजाज़त दे देनी चाहिए दोनों तरफ से कि हमारा ट्रेड खुल जाए और हमारी कल्चरल इंट्रैक्शन बढ़ जाएँ हमारी टूरिज़म बढ़ जाए हम लोग वहाँ जाके टूरिस्ट बने वो लोग लेकिन जब तक हम एक दूसरे के अंदर वो घुसे रहते हैं कि नहीं इनको हमने सेपोटाज करना है hmm. वो हमें करते हैं हम उनको करते हैं तो इस तरह तो किसी का फायदा नहीं है एंड आई थिंक नुकसान हमारा ज़्यादा है बिकॉज वी आर आर लेस इंडिया इज दे अ बिगर प्लेयर शायद जिम्मेदारी उनकी ज्यादा है क्योंकि दे आर अ बिगर दे आर बिगर प्लेयर मे बी यू नो एज द बिगर प्लेयर दे कैन इनिशिएट समथिंग विच वी कॉन्ट वो बोलेंगे आ जाओ अखंड भारत कर लेते हैं कोई मसला नहीं है <laughs> नहीं तो फिर हम क्या बात फिर हम बात करते हैं अगर मुझसे कोई कहे कि अखंड भारत में आ जाओ तो मैं कहूँगा यार अव्वल तो ये है कि हमारा पाकिस्तान है लेकिन आपका मतलब क्या है अखंड भारत से क्या उसमें मुसलमानों की भी बराबर के हकूक़ हैं हिंदू जैसे अगर हैं तो फिर बातचीत करने के लिए तैयार हैं हम <laughs> मतलब आप बेसिक्स पे आए ना तो आई तो थिंक और बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कोई प्रोग्रेसिव बंदा भी इंडिया का जिससे मेरा पूरा इतफाक है वो अपनी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज कर रहा है वो मोदी और हिंदुत्वा को उसी तरह क्रिटिसाइज कर रहा है जिस तरह मैं यहाँ पे बैठ के कर रहा हूं लेकिन जहां पे वो कोई पाकिस्तान के बारे में बात कहेगा जो भी मैं भी कह रहा हूं कि यार पाकिस्तान में स्टेब्लिशमेंट ने यूं कर दिया या फला चीज हो गई वहां पर एकदम से मैं कहता हूं कि मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ कि नहीं हाउ डेयर ही नहीं ये मेरे पाकिस्तान के बारे में कुछ कहेगा वहां पर मेरी नेशनलिज्म उभर जाती है और इसी तरह वो भी मैं मोदी की बुराई कर रहा है लेकिन जब वो किसी पाकिस्तानी के मुंह से मोदी की बुराई सुनता है तो वो नेशनलिस्ट बन जाता है कहता है नहीं यार हमारा प्राइम मिनिस्टर है सो दिस वी नीड टू गेट ओवर दिस पेटी नेशनलिज्म अगर आपने एक क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया